Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. I am Ritu. Yes students, as you know, nowadays summer camp is going on in our school. Today I am here with my new activity to explain the use of this, that and these, those. Yes students, firstly we will read spelling of this. THIS, this means yeh hai. This is used for a person or thing near to us. THAT, that means वह. That is used for a person or thing far away from us. This का use बेटा किसी एक चीज़ के लिए या एक person के लिए हम करते हैं जो हमारे पास हो, और that का use भी हम किसी एक चीज़ या एक person के लिए करते हैं जो हमारे से दूर हो. अब देखिए बेटा, मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ. यस स्टूडेंट्स, आप देखिए बेटा, यह एक पेन स्टैंड है और ये मेरे बिल्कुल पास रखा है. तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, दिस. दिस इज़ अ पेन स्टैंड. और उधर देखो बेटा, वो बुक मेरे से दूर रखी है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, दैट. दैट इज़ अ बुक. अब देखिए बेटा, मैं इस बुक के पास आ गई हूँ और इस बुक के लिए अब मैं यूज़ करूँगी दिस, क्योंकि अब ये मेरे पास है. दिस इज़ अ बुक. और अब वो पेन स्टैंड मेरे से दूर हो गया है, और दूर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट. अब उसको मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ अ पेन स्टैंड. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, दैट. दिस एंड दैट. दिस इज़ अ कैट. The cat is near to us, so we use this for the cat. And that is a cat. The cat is far from us, so we use that for the cat. Now this is a car. अब ये देखो बेटा, ये कार हमारे पास है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, this. एंड दैट इज़ अ कार. ये कार हमारे से दूर है, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया इस सेंटेंस में, दैट. दैट इज़ अ कार. नेक्स्ट, दिस इज़ अ हाउस. अब ये देखिए बेटा, हाउस हमारे पास है, तो हाउस के लिए हमने दिस यूज़ किया है. पास के लिए क्या होता है, दिस. यह एक घर है. And that is a house. ये house देखो दूर बना है, तो इसके लिए हमने क्या use किया है, that. वह एक घर है. Now I am telling you about these and those. Firstly we will read the spelling of these. THESE, these. These means ये. These is used for persons or thing near to us. THOSE, those means we, wo. Those is used for persons or things far away from us. अब देखिए बेटा, एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे पास हों तो उसके लिए हम these use करते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ें, मान लो plural, वो हमारे से दूर हों उसके लिए हम those use करते हैं. Now I am taking an example of books and butterflies. Sorry बेटा, मैंने नोट बुक्स बोल दिए आपको, और ये मेरे पास नोट बुक्स हैं. आप देखिए, ये नोट बुक्स हैं, ये एक से ज़्यादा हैं, मेरे पास फोर रखी हैं, और ये मेरे पास रखी हैं, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, दीज. जैसे दिस होता है, दिस में एक को हम यूज़ करते हैं दिस के लिए, दिस इज़ अ बुक. और ये मेरे पास एक से ज़्यादा है, मतलब चार हैं, तो इसके लिए मैं दीज यूज़ करूँगी. दीज आर नोट बुक्स, और दीज के साथ हमेशा बेटा आर लगता है. दीज आर नोट बुक्स. एंड अब उधर देखिए बेटा, आप ऊपर वो बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, वो भी एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलूँगी, दोज आर बटरफ्लाइज. ठीक है बेटा, अगर बटरफ्लाई एक होती और वो मेरे से दूर होती तो मैं उसके लिए दैट यूज़ करती, दैट इज़ अ बटरफ्लाई. अब ये एक से ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी दोज़.
दोज आर बटरफ्लाइज. यस स्टूडेंट्स, अब इधर देखिए दीज एंड दोज. अब ये देखिए दीज आर एग्स. ये बेटा देखो यहाँ पर तीन एग रखे हुए हैं, इसको हम एग्स बोलेंगे जब ये एक से ज़्यादा हो जाते हैं. एक को हम एग बोलते हैं और एक से ज़्यादा के लिए हम मतलब हम एक से ज़्यादा को हम एग्स बोलेंगे, एस पीछे लग जाएगा. दीज आर एग्स, ये एग्स पास रखे हैं तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, दीज. एंड दोज आर एग्स, ये एग्स बेटा देखो यहाँ से दूर रखे हैं तो इसके लिए हमने दूर के लिए क्या यूज़ करना है, दोज. दोज आर एग्स. दीज आर लॉयंस, अब ये देखो बेटा एक से ज़्यादा हैं, ये टू है यहाँ पर लॉयंस, ठीक है. तो और ये पास हैं हमारे, ये पास हमने दिखाए हुए हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दीज. दीज आर लॉयंस. नेक्स्ट दोज आर लॉयंस, अब ये लॉयंस देखो मेरे से दूर बने हुए हैं, मतलब हमारे से दूर बने, हमने दूर शो किए हुए हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज. दोज आर लॉयंस. यस बेटा, आपने दिस दैट एंड दीज दोज ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, क्योंकि ये आगे हमारी UKG क्लास में भी होंगे. लास्ट में जाके आप सेंटेंसेस भी बनाओगे दिस दैट दिस दोज के, तो बेटर रहेगा. आप अभी से इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे. ओके बेटा, हैव ए नाइस डे.